सदियों से प्रथा चली आ रही है कि महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और भगवान से अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह से ही सर्ग ग्रहण करती हैं और फिर उसके बाद सज धज कर 16 श्रृंगार कर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को करवा चौथ की कथा सुनकर चरणामृत ग्रहण करती हैं और फिर रात को चंद्रमा देखकर अपने पति के हाथों अन्न ग्रहण करती हैं। मैं कहूँगी ये बहुत पवित्र रिश्ता है, बहुत पवित्र त्यौहार है, सबनों बहुत मिलजुल के रहना चाहिए, हस्बैंड वाइफ के लिए पूरा कोऑपरेट करना चाहिए और अजकल के बच्चों भी समझना चाहिए कि एक दूजे पूरा मान इज्जत पूरा मान सम्मान दिता जाए। हाँ जी, साड़ी संस्कृति है और असं कहने अपने बच्चों भी सिखा रहे हैं, असं कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों ये संस्कार दे सकी कि अपने रिश्ते इस पवित्र रिश्ते बहुत अच्छी तरह सहेज के रखो। ये बहुत अच्छा रिश्ता है और बहुत मिलजुल के रहना चाहिए। आज करवा चौथ है, हम यहाँ पे सब लेडीज़ मिलके करवा चौथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और सब बहुत सुंदर सुंदर अपने घर से तैयार होकर आए हैं और हम यहाँ पे गेम्स वगैरह खेल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और फिर घर जाके हम पूजा करेंगे, अपने हस्बैंड की लाइफ के लिए प्रे करेंगे और हम यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ और सब यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। मैम, क्या जाता कि भुखे ढेडे रब का नाम नहीं लिया जाता, फिर नचा किए कर? नहीं ना, भुखे ढेडे रब का नाम शायद नहीं लिता जाता, पर नचिया तो बहुत अच्छी तरह जाता है। देखे अच्छी नच भी रहे हैं।